दोस्तों, क्या आपके मुंह से बदबू आती है? किसी के सामने बोलने से घबराते हैं? शर्म आती है या दांत पीले हैं? मुंह में छाले लगे हुए हैं या मुंह का अल्सर है, जगह जगह मुंह में जख्म है और इलाज करा रहे हैं, थोड़े दिन में फिर वही हो जाता है, फिर वही हो जाता है। दांतों में दर्द, दांतों में मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से जो ना पस पड़ जाना, ये सब चीज़ों से परेशान है। तो आज एक, सिर्फ एक जड़ी बूटी के बारे में ऐसा बताऊंगा जो आपके आसपास के थोड़े से जंगल एरिया में या सड़क किनारे कहीं भी आपको मिल जाएगा। ये उगा हुआ सिर्फ एक इस जड़ी बूटी के इस्तेमाल से आपके मुंह के बदबू ऐसे गायब होगी जैसे कभी थी ही नहीं। दांतों का पीलापन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। मुंह के छाले एक से दो बार के इस्तेमाल में ही मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। मुंह का अल्सर है जो आपका सालों साल चलता आ रहा है, वो आपका एक विक के इस्तेमाल से खत्म हो जाएगा। बिना किसी पैसे के, कोई पैसा आपको नहीं खर्चना होगा, सिर्फ इसकी पहचान करनी है और वहां से ला करके इसका इस्तेमाल करना है। तो मैं इसके इस्तेमाल के बारे में सारे तरीके बताऊंगा, इसके फायदे बताऊंगा और आप हमारे साथ बने रहिए। ये जो पौधा है इसको चिटचिटा या अपामार्गी बोलते हैं। अपामार्गी या चिटचिटा, नाम मैं अच्छे से बता रहा हूँ, देख लें, अपामार्गी या चिटचिटा। तो इसकी पहचान आप देख लें, इस तरह का फल लगता है और जब आपके कपड़ों के साथ ऐसे टच होता है, इस तरह से लगता है, तो ये जो है कीड़े की तरह आपके कपड़े के ऊपर चिपक जाता है। ये देखिए, कपड़े पे इस तरह कीड़े की तरह चिपक जाएगा और ये उतरेगा नहीं। ये देखें, इस तरह से देखिए, कीड़े की तरह चिपक गया। अगर शरीर के ऊपर भी चिपक जाए तो ये उतारने का तरीका ये होता है, जो इधर से मुंह है इसको इस तरह से अपामार्गी बोलते हैं, अप तरफ से उतारेंगे तो उतर जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ से उतारेंगे तो वो खाल उतार के ही उतरेगा या कपड़े में चिपका रहेगा। तो ऐसे हो अपामार्गी इसीलिए कहते हैं, ऊपर की तरफ करके इसको उतारिए। दूसरा, इसका पहचान कर लें पत्तों की। पत्तों की पहचान किस तरह से, देखिए इस तरह से फूल और पत्ते इसके होते हैं। तो इसकी पहचान कर लें कि ऐसा ना हो कि कोई हिल रहा था ना। चल, पहचान, तो इसकी पत्तों की पहचान कर लें कि इस तरह से पत्ते होते हैं, कि कहीं गलत ना इस्तेमाल कर लें आप। तो इसको आपको नाम बता दिया मैंने, अपामार्गी या चिटचिटा। तो ये पूजनीय भी होता है, बुध ग्रह का पौधा होता है और इसका इस्तेमाल देखिए, आपको इस्तेमाल करना है अगर मुंह में छाले हैं आपके और मुंह में अल्सर है या मुंह की जो बदबू है जिससे आप कहीं बात नहीं कर पाते, किसी से बात करने में शर्माते हैं, तो ये देखिए इस तरह का पत्ता लेना है। कुछ पत्ता आपने ये ले लिया और इस पत्ते को हल्का धो लेना है, क्योंकि धूल मिट्टी लगी होती है तो धोना जरूरी होता है। ये देखिए, इसको धोने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि सर्फ साबुन से धोएंगे आप। इसको धोने का सिंपल सा तरीका, पानी में, देखिए पानी था, इसके अंदर हमने डाल लिया, ये धुल गया और ये इसको चबाते रहना है, मुंह में फेरते रहना है और जो भी सलाइवा जो रस इसका निकलेगा वो धीरे धीरे फेंकते रहना है। तो आपके मुंह में जितनी बदबू है, जो भी जीवाणु विषाणु जो भी हैं जिसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से ये हो रहा है, वो सारा इस लार के साथ, इसके साथ एक दवाई की तरह जो है निकल जाएगा और आपके जो मुंह की दुर्गंध है वो दूर होगी, साथ ही अल्सर की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। छाले हैं तो छाले मैंने बताया 2 से 3 बार के इस्तेमाल में ही खत्म हो जाएगा। इस तरह से इसको चबाते रहना है और मुंह में जो भी लार आता है उसको निकालते रहना है। दूसरा, दांत को मजबूत बनाए रखने के लिए, ताउम्र अगर चाहते हैं कि दांत ना गिरे, तो इसके जड़ का दातून करना है। ये जो जड़ वाला पार्ट है ये देखिए, ये इस तरह से हम काट लेंगे और सुबह सवेरे इसको जितनी देर तक मुंह में आप रख सके, मतलब चबाते रहे, देखिए इस तरह से, देखिए ब्रश टाइप बन जाएगा जब चबाएंगे इसको, तो इस तरह से इसको दांतों को आप रगड़ के साफ कर सकते हैं और कंटिन्यू करते रहें। जितना लार निकलेगा ये सारा आपका बाहर हो जाएगा, दांतों की मालिश से हो जाएगी और दांत बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मुंह में से स्मेल कभी नहीं आएगी, मुंह के छाले और दांतों में पायरिया तक की शिकायत जो है ये आपकी दूर कर सकता है। और इसका एक यूज़ है, कोई जहरीला जानवर काट जाए, इसके पत्तों को कूट के इसका रस जो है इसके ऊपर लगा दें, वो जहर भी ख़त्म कर देगा ये। तो इतनी कारगर जड़ी बूटी है, जानवरों को पहले से ही पता होता है, जानवर जो है छोड़ते नहीं, इसको बिल्कुल खा लेते हैं। जैसे अब बरसातों का टाइम आएगा तो जगह जगह ये मिल जाएगा। और अभी जो हमने काटे हैं ये कुछ पुराने पौधे थे, एक दो बारिश हुई है तो पुराने पौधों में से इस तरह से फुटाव आया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने पहचान लिया होगा, इसका इस्तेमाल करें और अपने दांत को स्वस्थ रखें, अपने मुंह की दुर्गंध पे काबू पालें इस नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के। धन्यवाद दोस्तों।